can we see the baby mommy? Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है. और ये आप देख रहे हैं जी, ये है चाइल्ड एग्जामिनेशन बुकलेट, और डॉच में इसको कहते हैं किंडर उन्टर सुखों हैफ्ट, और गैल्प हैफ्ट भी इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर, कि येलो कलर है, और गैल्प जो डॉच में येलो को कहते हैं. तो फिर ये जो है ये आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी का सुबह चेकअप है, लाइक उसका थर्ड चेकअप है, सॉरी फोर्थ है ना. तो इस जो बुक है इसमें लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब बेबी पैदा होता है और टिल द एज ऑफ व्हेन ही बिकेम 5 ईयर ओल्ड, तब तक इसमें जो चेकअप्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं. लाइक इसमें 9 चेकअप्स होते हैं. तो फर्स्ट होते जब बेबी पैदा हो, सेकेंड जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, वेरी थर्ड डे. बाकी ये है कि इसके साथ अलहदा बुकलेट्स वगैरह दी होती हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रहती हैं. मतलब जो न्यू मदर्स हैं, पेरेंट्स वगैरह, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें. लाइक बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न है, उसको कैसे आप डेवलप कर रहे हैं, इसके अलावा जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और इन चीज़ों को जो देखा जाता है, और क्या बच्चे को किस एज में क्या खिलाएं. और इसके साथ ये मेरे बेटे का भी चेकअप है, तो ज़रा इसकी ड्राइंग जो चेक करें, उन्होंने कहा कि ये ज़रा इसको जो है कुछ भी बिल्ड बना लें, कोई भी पिक्चर वगैरह बना लें. अच्छा अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह. और बाकी ये है कि स्लीपिंग पैटर्न जो है ये है, रात में तकरीबन 10 बजे तक मैं सुला लेती हूँ, और फिर उसके बाद सुबह तकरीबन 9-10 के दरमियान जो है वो फातिमा उठ जाती है. तो और उसके दौरान रात में जो है 2 टाइम जो उसको फीडिंग करवानी होती है. तो ये है स्लीपिंग पैटर्न. बाकी दिन में ये चलता रहता है कि नैपिंग भी चलती रहती है बीच में, और लाइक 1 घंटा खेला ये वो जाकर, और उसके बाद 1.5 घंटा सो गए, इस तरीके से दिन जो है वो स्पेंड होता है. तो बाकी एक सपोर्ट के साथ ही बेसिकली यही होता है कि लाजमी हल्की फुल्की जो है वो मैं चिट-चैट करती हूँ, बातें करती हूँ. माशाल्लाह आपने देखा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस देती है. तो ये जो सुबह सपोर्ट के साथ ही हमारा माँ बेटी का बड़ा ख़ास टाइम होता है, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. और माशाल्लाह जी काफ़ी ज़बरदस्त रहा. और ये डॉक्टर का जो है रूम, यहाँ पर वेटिंग रूम में थे हम लोग, और यहाँ पे काफ़ी जो है वो काफ़ी तो नहीं है, आजकल सिचुएशन ऐसी जा रही कि फ़ौरन जो है वो चेकअप वगैरह करके तो मैं फ्री कर देते हैं. और ये मैं फिर हुआ बहुत अच्छे से सारा. और बेसिकली चेकअप में जो था ये देखा इन्होंने, बेसिकली बेबी की जो है वेट है, लेंथ है, उसके बाद जो उसका हेड सर्कमफेरेंस है, उसका जो सर है उसको भी मेजर किया जाता है, और इस एज के जितने भी माइलस्टोन्स हैं उसको देखा जाता है. बाकी बच्चे की जो मूवमेंट्स वगैरह हैं, या किस तरह से वो किस एक्शन रिएक्शन वगैरह सब उसके देखे जाते हैं इस एज में जो होता है. इसमें ये है कि पेरेंट्स भी पूछते हैं कि बच्चे का साथ कैसा इंट्रैक्शन है, और फीडिंग पैटर्न को डिस्कस किया जाता है. इसके अलावा बच्चे के मुख्तलिफ जो उसकी एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. और ये है कि जब ऐसा चेकअप्स वगैरह हो तो बेबी को जो है वो साथ वैक्सीनेशन पास दिया जाता है. और इसके अलावा ये जो है इंट्रोजोन थेफ्ट है, ये जो बुकलेट है ये है, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कार्ड है. तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो बेबी के लेके जानी होती हैं. तो बाकी ये है कि जब हमें वापसी हुई तो वहाँ पे हम टूरिस्ट थे, वहाँ पे हमने ये जो है कुछ मैंने फीडर लेना था, और सूदिंग जो है ये बस ये सूदिंग पेसिफाई ले तो लिया, लेकिन ये दिल नहीं कर रहा मेरा इसको यूज़ करने का, क्योंकि बाकी मैंने किसी बच्चे को ही नहीं लगाया और इस चीज़ पे. और क्योंकि ये एक दफ़ा आदत बुरी पड़ जाए ना, तो फिर उसके बाद उसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
तो मैंने यहाँ पे मैं देखे बच्चे 6-6 साल के होते हैं और उनके मुंह में ऐसे ये जो है ये सूथिंग पैसिफायर इतना अजीब सा लगता है। और ये एक एक ये और ये प्रॉम की हैबिट जो है ना यहाँ पे मैंने देखे बहुत ज़्यादा है। और बस ये है कि बस इजी वे है कि बस जान छुड़ा लो। मैं ले तो आई हूँ लेकिन बस ऐसा माइंड नहीं मेरा कह रहा कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ और वैसे ही रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि एक एक दफ़ा जो है इसने लिया होगा और वो भी इसको भी शायद अब पसंद नहीं आया और इसने रोना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा चले जी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर अब जो है ना मैं इसको नहीं यूज़ कर रही। तो है ले तो आए थे। तो बाकी ये है कि ये जो है मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, ये बेबी ड्रीम के वाइप्स हैं और इसके साथ ये टॉयलेट पेपर है। और ख़ैर से टॉयलेट पेपर जो यहाँ से फिर इनकी शॉर्टेज शुरू हो गई है जब से कोरोना का दोबारा इशू बना है, और इस वजह से ये पेपर जो है ये भी जो है वो बिल्कुल कहने के नहीं अवेलेबल थे। तो खैर ये फिर उस दिन जो है फिर मेरे हस्बैंड को जो है वो मिले तो लिए। और ये वाइप्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, स्किन फ्रेंडली है। और इसके अलावा इसमें जो है 99% वाटर है और इसके अलावा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ ही कैमेलिया एक्सट्रैक्ट है और ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। तो प्लस ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से ये रिकमेंड किए गए हैं। और मैं तो मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो मेरा पहला बेबी है उससे मैं अभी तक जो बच्चों को यही यूज़ कर रही हूँ। और बेबी ड्रीम के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे जो है वो कोई उसकी ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर रही। और ये दिन का खाना, दिन के खाने में बनाया था जी चावल और साथ इसके मूँग की दाल बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये दिन का खाना है। और इसके बाद ये बेबी जो है इसको मैं इसके लिए फार्मूला मिल्क है ये भी मैं साथ साथ कर रही हूँ और बना रही हूँ, बल्कि मैं बनाने लगी तो मैंने अभी बॉक्स ओपन किया तो मेरी बेटी कहती है जी मैं बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये है कि अब फातिमा को ये मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि माशाल्लाह सारे जो बड़े इसके बहन भाई हैं बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बस सबकी यही कोशिश होती है कि मैं उठा लूँ, मैं इसका जो है वो डायपर इवन चेंज करूँ, मैं इसके जो कपड़े चेंज करूँ, मैं इसके लिए दूध बनाऊँ, मैं इसको सुलाऊँ। तो मेरे लिए तो काफ़ी कह लें कि मेरे लिए तो मज़े ही मज़े हैं ना, फातिमा के तो हैं ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफ़ी सहूलत है। और मैंने कहा चलें जी फिर आप बना लें, आप अगर चाह रही हैं तो चलिए आप बना लें। तो माशाल्लाह ये बड़ी बेटी है और माशाल्लाह शी इज़ 7 ईयर ओल्ड और तो ये भी बना रही है इसके लिए। बाकी अभी वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, ये मॉर्निंग के मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो ये है कि नाश्ता वगैरह किया है तो अब काफ़ी एनर्जी आ चुकी है, इसलिए वॉइस ओवर जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी और आवाज़ जो है वो क्लियर है। तो रात वाला जो वॉइस ओवर था वो मेरा सोने से पहले का था और वो आपको आवाज़ का जो टोन उसमें चेंज फील हुई होगी कि ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा जो कैफियत सोने की और इस तरह से थकावट वगैरह, तो वॉइस ओवर उस टाइम था और ये अभी सडन जो है इसमें चेंज आया है। तो बाकी बेबी का जो है इसके अलावा जो बेबी का मैंने ये डायपर्स वाइप्स और इसके अलावा ये जो इसकी बाकी जो इसको मैं यूज़ करती हूँ जो ड्रॉप्स वगैरह या इस तरीके से हैं, तो मैंने इसका ना ये ट्रांसपेरेंट बैग में रखा हुआ था। काफ़ी सहूलत रहती है कि कुछ भी मैं, और इसकी टैबलेट भी जो है ये लाइक विटामिन डी की टैबलेट्स हैं, ये फर्स्ट 2 ईयर्स बेबी को देनी होती हैं जब बेबी का जो है वो उसके बोन्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे पहले 2 साल बच्चे को दी जाती हैं डीफ्लोरेशन टैबलेट्स हैं ये। और ये है कि जब बच्चे को ये आप जो है वो दूध वगैरह में थोड़ा सा मिक्स करके उसको दे दें, तो जो इसकी बॉटल है उसमें नहीं करना, लाइक स्पून है छोटा उसमें मिक्स करके दे दें। तो ये जो है ये वेलगैस्टिन के ये ड्रॉप्स हैं। तो ये अगर बच्चे का कुछ इस तरीके से क्रैम्प्स वगैरह होते हैं या कुछ ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, कोई भी गैस वगैरह का इशू होता है, तो ये इसके 9 जो इसके ड्रॉप्स हैं वो बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा काफ़ी इससे जो है ना अच्छा फील करता है और उसको अच्छी नींद आती है, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जो पहले लाइक टाइम पीरियड होता है बच्चे का उसमें उसके गैस का और ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस ये है कि इस वजह से फैनशलटे जो है वो ज़्यादा एकदम से फेनल टी जो है वो ज़्यादा एकदम से बच्चे को यहाँ पे रिकमेंड नहीं की जाती, लाइक 3 मंथ तक तो ये है, उसके बाद फेनल टी जो है वो दी जाती है। और उसमें जो है चाहे आप उसका पानी बना लें और उसका जो पानी है वो फेनल जो एक्सट्रैक्ट है वो बच्चे को दे दें, तो अगर सर्दी वगैरह किस तरीके से शिकायत है तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो जो डायपर्स हैं वो भी बेबी ड्रीम के यूज़ करती हूँ, वो भी लाइक डायपर्स का ये होता है कि 5 to 6 डायपर्स पर डे हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स। तो आज का वीलॉग रहा बेसिकली रूटीन ऑफ अ 3 मंथ ओल्ड बेबी।
सो आप ये भी कह सकते हैं 24 hours विद अ 3 month old 24 hours जो है मैंने डिस्कस नहीं किया, इसकी बेसिक जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं मैं क्या यूज़ करती हूँ मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं सैम व्लॉग्स पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम जो है वो सैम व्लॉग्स के नाम से ही है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।